हेलो एवरीवन, जीन म्यूटेशन के ऊपर ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो जीन म्यूटेशन में हम लोग पीछे बहुत सारा चीज पढ़े, पिछले वीडियो को देखेंगे तो जीन म्यूटेशन से संबंधित सारी चीजें क्लियर आपको हो जाएगी। आज हम लोग देख रहे हैं म्यूटेशन से संबंधित सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आज हम लोग म्यूटेशन के ही अगले जीन म्यूटेशन को देख रहे हैं। तो जीन म्यूटेशन में क्या है, नाम ही यहाँ क्या लिखा हुआ है, जीन लिखा हुआ है। तो जीन से पहले आपके सामने एक चीज क्लियर होना चाहिए, डीएनए स्ट्रक्चर। तो डीएनए के बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, पढ़ाया गया है, शुरुआत से ही हमें पढ़ाया गया है। डीएनए क्या है, तो एक डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया है हमारे वाटसन और क्रिक के द्वारा, है ना, उसी को हम लोग पढ़े हैं। तो डीएनए है क्या पहले, तो हमारे जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो डीएनए से बने हुए होते हैं, और डीएनए जो होते हैं वो इस तरह से, डीएनए का स्ट्रक्चर आप देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स मॉडल में ये हमें दिखाई देगा। तो हमारे जो क्रोमोजोम्स होते हैं इस तरह से ढेर सारे डीएनए से जुड़ करके बनते हैं, पूरा मोटर क्वाइल्ड रस्सी की तरह का यह स्ट्रक्चर होता है डीएनए हमारा। तो डीएनए की अगर बनावट के संबंध में बात करें तो डीएनए जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, डीएनए बना हुआ है नाइट्रोजन युक्त बेस से, क्षार से, है ना, नाइट्रोजिनस बेस से बना हुआ है। और ये नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं, मोटा मोटी अगर डीएनए के लिए पढ़े तो चार तरह के बेस होते हैं, एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। अगर डीएनए के जगह पर आरएनए अगर को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो थायमिन के जगह पर सिर्फ यूरासिल को चेंज करके रखते हैं। तो नाइट्रोजिनस बेस जो हमारे पास है चार टाइप के हैं डीएनए, ठीक है। तो डीएनए में चार तरह के नाइट्रोजिनस बेस है। इसके अलावा डीएनए में ये नाइट्रोजिनस बेस जो है डीएनए में किस पोजिशन पर है, तो डीएनए के अंदर ये जो क्वाइलिंग है इसके बीच में ये एटी सी जी इस तरह से ये लगे हुए हैं। और ये जो प्लेट देख रहे हैं हम लोग, बैंड देख रहे हैं, इस बैंड के ऊपर जो है वो फॉस्फेट और सुगर पाया जाता है। फॉस्फेट H3PO4 के रूप में पाया जाता है, और सुगर जो होता है पेंटोज सुगर होता है। हम लोग हेक्सोज सुगर को खाते हैं तो यहाँ पर पेंटोज सुगर होता है। सुगर दो तरह के होते हैं, पेंटोज भी डीऑक्सीराइबोज सुगर जो डीएनए में मिलते हैं, और राइबोज सुगर जो आरएनए में मिलते हैं। इतना सारा चीज है। उसके बाद हमारे एटीसीजी जो है ना, जिसे आप देख रहे हैं, ए जुड़ा हुआ है किसके साथ, टी के साथ, सी जो जुड़ा हुआ है जी के साथ, हमारे डीएनए के अंदर यही क्रम होता है जुड़ने का। तो आप देखें कि ए जो है टी के साथ जो है दो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, सी जो है जी के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, ए से एडिनिन हुआ, टी से थायमिन हुआ, सी से साइटोसिन और जी से गुआनिन। ये चार तरह के हमारे नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, ठीक है, और बेस होते हैं, यही हमारे डीएनए के लिए मेन चीज होते हैं। और यही नाइट्रोजनस क्षार जो है वो अगर आरएनए में हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर टी के जगह पर क्या कर देना है, यू कर देना है। और यही नाइट्रोजनस बेस जो हमारे हैं वो ट्रिपलेट कोडोन बनाते हैं, जैसे इस तरह से ट्रिपलेट कोडोन को आप देखे तो यहाँ देखे सी सी यू है, ए टी सी है ना, एटीसी हो गया, सीजीसी हो गया। तो ये सब जो है ट्रिपलेट के शक्ल में होते हैं। याद रखना है कि हमारा पूरा शरीर जो है प्रोटीन से बना हुआ है, हमारे डीएनए भी एक तरह से प्रोटीन ही है। तो ये जो है वो एमिनो एसिड का कोड करते हैं, ये जो ट्रिपलेट कोडोन्स है वो क्या करते हैं, एमिनो एसिड का कोड करते हैं, और इसी एमिनो एसिड के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये एमिनो एसिड ही हमारे अंदर जीन का निर्धारण करते हैं, हमारे गुणों का निर्धारण करने का भी काम जो है इसी एमिनो एसिड का है। तो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रिपलेट कोडोन के द्वारा। ट्रिपलेट कोडोन क्या है, तो नाइट्रोजिनस जो बेस जुड़ करके ट्रिपलेट कोडोन का फॉर्मेशन करेंगे। इस सबको डिटेल में हम लोग मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़े, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या है, लेकिन अभी हम लोग जान लिए कि ट्रिपलेट कोडोन जो नाइट्रोजिनस बेस के होते हैं वही कोड होते हैं एमिनो एसिड के लिए, और इन्हीं के जुड़ने से जीन का फॉर्मेशन होता है, जीन जो है कैरेक्टर देने का काम करते हैं, ठीक है। तो जीन को हम लोग समझ रहे थे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जीन जो है वो कहां प्रेजेंट है, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है। जीन कहां है, डीएनए के ऊपर है, और डीएनए के ऊपर ये जो जीन है वो किससे, हमारा डीएनए ही टोटल बना हुआ है किससे, नाइट्रोजिनस बेस से बना हुआ है। तो नाइट्रोजिनस बेस से जब डीएनए बना हुआ है तो हमारे जीन्स भी जो है नाइट्रोजिनस बेस से बने हुए, और वही तो हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजिनस बेस के ट्रिपलेट कोडोन को ही हम क्या कहते हैं, एमिनो एसिड कहते हैं, और इसी एमिनो एसिड के क्लस्टर को जीन कहते हैं, ठीक है। ये जीन हुआ।
अब म्यूटेशन तो हम लोग पीछे ही पढ़ सके, सडन चेंज है ना, और इस जीन म्यूटेशन को हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो चेंजिंग होना है, म्यूटेशन जो होना है वो नाइट्रोजिनस बेस में होना है। चेंजिंग कहाँ होना है? जीन म्यूटेशन का मतलब चेंजिंग विद इन द नाइट्रोजिनस बेस। तो नाइट्रोजिनस बेस आर ऑफ फाइव टाइप है ना, ए टी सी जी एंड यू, यू से यूरासिल। तो इतना तरह का हमारे पास क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है। अब कह रहा है इट इज अ चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जीन म्यूटेशन में जीन के एक्सप्रेशन में चेंजिंग हो जाता है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ जीन? जीन डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इफ द जीन एक्सप्रेशन चेंज देन कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी चेंज्ड। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ जीन है, ठीक है। अब कह रहा है एक्सप्रेशन ऑफ जीन चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज हो जाएगा, किस तरह से चेंज होगा? तो जीन के नंबर में चेंजिंग हो जाएगा, उसके सीक्वेंस में, क्रम में चेंजिंग हो जाएगा, उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें चेंजिंग हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब है नाइट्रोजिनस बेस सुगर फॉस्फेट। नाइट्रोजिनस बेस सुगर फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस सुगर एंड फॉस्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। दूसरा वर्ड है न्यूक्लियोसाइड, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस एंड सुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड है, और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब जुड़ेंगे तो ही हमारे डीएनए का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड ही हमारे क्या कर सकते हैं, तो जीन का फॉर्मेशन करते हैं। बड़ा घुमा हुआ लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जीन म्यूटेशन में हमारे नाइट्रोजिनस बेस में गड़बड़ी होने वाली है, और इफ जीन म्यूटेशन इज ड्यू टू चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर। कह रहा है कि अगर जीन में म्यूटेशन जो हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? एक नाइट्रोजिनस बेस के चेंजिंग के वजह से हो रहा है। जीन में जो म्यूटेशन हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? सिंगल नाइट्रोजिनस बेस, या तो ए चेंज हो गया, या यू चेंज हो गया, या सी चेंज हो गया, या जी चेंज हो गया, मतलब इसका स्थान कोई दूसरा ले लिया, एक ही बेस में परिवर्तन हुआ। तो एक ही बेस में, अगर डीएनए के एक ही बेस में चेंजिंग होता है तो इस तरह के म्यूटेशन को क्या कहते हैं? प्वाइंट म्यूटेशन कहते हैं, है ना। एक बेस के चेंजिंग को क्या कहा जाता है? प्वाइंट म्यूटेशन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा? प्वाइंट म्यूटेशन। एक तरह के नाइट्रोजिनस बेस में अगर चेंजिंग होता है तो, ठीक है। जहां समस्या रहेगा बताना है, कॉमेंट करना है, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप करना है, तो मोर बेसिस चेंज। अगर मान लो कि हम कह रहे थे कि अभी एक बेस चेंज किया, है ना, जैसे यहां देखे कि ए टी के जगह पर क्या कर दिए, ए के जगह पर इस ए को हटा करके हम लोग क्या ले लिए? सी ले लिए, तो सी टी टी हो गया। तो पहले ए टी टी के वजह से मान ले कोई ये दूसरा एमिनो एसिड बन रहा था, अगर सी टी टी आ जाएगा तो एमिनो एसिड का क्रम बदल जाएगा, एमिनो एसिड बदलेगा तो गुण बदल जाएगा। अब कह रहा है एक से ज्यादा अगर नाइट्रोजिनस बेस में चेंजिंग होता है तो उस तरह के म्यूटेशन को क्या कहते हैं? ग्रूस म्यूटेशन कहा जाएगा। उस तरह के म्यूटेशन को क्या कहेंगे? ग्रूस म्यूटेशन कहेंगे, लार्ज म्यूटेशन है एक तरह से। अब जनरली म्यूटेशन तो ऐसे भी हमारे बॉडी के अंदर जो है नाइट्रोजिनस बेस का सीक्वेंस हमारे बॉडी के इंटरनल फैक्टर के द्वारा भी होते रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर जो है, एनवायरमेंट में मिलने वाले एक्सटर्नल फैक्टर भी हमारे नाइट्रोजिनस बेस के सीक्वेंस में गड़बड़ी पैदा कर देते हैं या उसे नए रूप में ला देते हैं, और उस नए रूप में लाने वाले सबस्टांस को, जो एक्सटर्नल फैक्टर है, उसे हम लोग म्यूटाजेंस कहते हैं। सबस्टांस दैट काउज म्यूटेशन, एक्सटर्नल फैक्टर जो भी है वो अगर हमारे डीएनए के मुटे के बेस सीक्वेंस में चेंजिंग ला रहा तो उस तरह के सबस्टांस को क्या कहा जाता है? म्यूटाजेन कहा जाता है। म्यूटाजेन फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, या बायोलॉजिकल हो सकते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर नाइट्रोजिनस बेस के सीक्वेंस को चेंज करने वाला कोई केमिकल सबस्टांस हो सकता है, कोई फिजिकल फैक्टर जैसे टेम्परेचर हो गया, है ना, केमिकल्स हो गया, तो ह्यूमिडिटी हो गया, कुछ भी इस तरह का चीज अगर चेंजिंग ला देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटाजेंस कहते हैं। तो पहला तो आप फिजिकल को देखें, तो फिजिकल में क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज का एग्जांपल है कि अगर जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं उस एनवायरमेंट का टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज कर दे, है ना, तो इंक्रीज करने के वजह से हमारे, हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है ना, ए और टी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सी और जी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है।
तो जैसे ही टेम्परेचर अगर 10 डिग्री बदल के बढ़ जाए, टेम्परेचर कहीं का 10 डिग्री इंक्रीज कर जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजनस 20 के बीच में हाइड्रोजन का बॉन्डिंग है वो ब्रेक कर जाता है। तो अगर हाइड्रोजन का बॉन्डिंग ब्रेक करेगा तो हमारा डीएनए का चेन जो है वो अनविंड हो जाएगा, खुल जाएगा, है ना। हमारे चेन जो बना हुआ था वो चेन का हेलिक्स क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। तो जब चेन का हेलिक्स अलग हो गया, डीएनए कैरेक्टर क्यों दे रहा था, क्योंकि क्वाइलिंग के साथ था। अगर क्वाइल को हम लोग खत्म कर देते हैं तो कैरेक्टर बचेगा, कैरेक्टर डिसअपियर हो जाएगा, अब फिर से उसको जुड़ना पड़ेगा, तो नए जुड़ाव होंगे, इस वजह से कैरेक्टर चेंज हो सकते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो म्यूटेशन का काउज हो सकता है, लेकिन कितना, मोर देन 10 डिग्री होगा या 10 डिग्री के आसपास होगा तो म्यूटेशन काउज हो सकता है। बहुत तरह के एनवायरमेंट में रेडिएशन है, अल्फा बीटा गामा रेज है, एक्स रेज है ना, अल्ट्रावायलेट रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, कॉस्मिक रेज है ना। तो ये सब जो रेज है वो सब भी क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन काउज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स जो है वो म्यूटेशन को काउज कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। किस तरह के म्यूटेशन को, तो जीन म्यूटेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजिनस बेस के सिक्वेंस को वो क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर्टन तरह का केमिकल को अगर इन ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला जाए या इनगल्फ कर लेते हैं या किसी कंडीशन में पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि म्यूटेशन काउज हो सकता है। ये केमिकल्स है, नाइट्रस एसिड है, अल्केलाइटिंग एजेंट्स है ना, नाइट्रस एसिड है, अल्केलाइटिंग एजेंट है, इसके अलावा ईएमएस है, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट है, ये सारे केमिकल्स अंदर जाकर के हमारे नाइट्रोजिनस बेस के सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में हम लोग बैक्टीरियोफेज को पढ़े हैं, बैक्टीरियोफेज क्या है, एक तरह का वायरस है ना, यह कैसा वायरस है, तो यह बैक्टीरिया को खा जाने वाला वायरस है। जैसे ये एक बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, और ये क्या करेगा कि इस तरह से बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड हो जाता है, और डिपेंड होने के बाद अपना सारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो रिलीज कर देता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया अपने जीनोम को भूल जाता है और बैक्टीरियोफेज के जीनोम को मल्टीप्लाई करने लगता है। तो ये बैक्टीरियोफेज को हम लोग देखें, वायरस जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन को काउज करने में। ये तो नॉर्मली हुआ, हम लोग अब नॉर्मली भी बैक्टीरियोफेज का यूज करके, इसके प्लाज्मिड का यूज करके सर्टेन तरह का बायोटेक्नोलॉजिकल चेंज लाते हैं और नए नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यह हुआ है ना। तो रीजन क्या था काउज ऑफ म्यूटेशन का, रीजन क्या था, हम लोगों ने देखा कि कई तरह के हमारे म्यूटाजेंस जो थे वो क्या कर रहे थे, म्यूटेशन को काउज कर रहे थे, यानी कि म्यूटेशन को उत्पन्न कर रहे थे। अब आगे हम लोग चलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, है ना, म्यूटेशन को देख रहे हैं कि कैसे कैसे म्यूटेशन होता है। कुछ म्यूटेशन तो जो है अभी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा दिखा है, लेकिन जनरली जो है कुछ म्यूटेशन ऐसे भी है, हम लोग नॉर्मल है, नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर म्यूटेशन हो जाता है। तो अगर एकाएक स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन किसको कहते हैं, रैंडमली ड्यू टू हमारे इंटरनल फैक्टर, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर का योगदान नहीं, हमारे इंटरनल फैक्टर के वजह से क्या हो जाए, हमारे बॉडी के अंदर चेंजिंग आ जाए, है ना, और हमारे नाइट्रोजिनस बेस का सीक्वेंस जो है वो क्या हो जाए, गड़बड़ा जाए, तो हमारे कैरेक्टर्स में चेंजिंग हो जाएगा, यानी कि म्यूटेशन काउज हो जाएगा, है ना। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो अभी हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि म्यूटाजेंस को देखे, तो बायोलॉजिकल केमिकल और फिजिकल जो भी म्यूटाजेंस थे उनके वजह से अगर म्यूटेशन काउज होता है तो उस तरह के म्यूटेशन को क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं, है ना। इस तरह के म्यूटेशन को क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन के लिए म्यूटाजेन का होना नेसेसरी है, है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं मेथड, कैसे कैसे जीन म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशन के लिए क्या कुछ फैक्टर होना चाहिए, कैसे वो म्यूटेट करता है। तो मेथड्स जो है ये इन्वर्सन है, प्राइम शिफ्ट म्यूटेशन है, और सब्स्टिट्यूशन है। तीन तरह के मेथड्स के द्वारा हमारे जीन के अंदर जो है म्यूटेशन काउज होता है। पहले आप देखें इन्वर्सन को देखें, इन्वर्सन क्या बताने का प्रयास कर रहा है कि बेस सीक्वेंस आर रिवर्स्ड इन ए डीएनए, बेस सीक्वेंस विल बी रिवर्स ड्यू टू सर्टेन फैक्टर, मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। तो बेस सीक्वेंस कैसे चेंज हो सकता है, तो जैसे मान लेते हैं एक बेस सीक्वेंस, ये बेस सीक्वेंस हम जो लिख रहे हैं आपको पहले ही बता चुके हैं कि जीसीसी जो है वो किसी न किसी एमिनो एसिड का कोड होगा,
किसी न किसी एमिनो एसिड का कोड होगा, और एमिनो एसिड ही हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस या फिर हमारे बॉडी के अंदर जीन के फॉर्मेशन, हमारे कैरेक्टर को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। तो ये सर्टेन तरह के जीन का फॉर्मेशन करेंगे, सर्टेन तरह के एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, ये भी उसी तरह से। अगर इसके सीक्वेंस को बदल दे, उलट दे, तो क्या होगा, हमारे कैरेक्टर भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, जीन्स भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जैसे देखिए आप, जीसीसी है, टी ए टी है, टी टी जी है, सिक्वेंस को उलट दिए, जी से शुरू कर रहे, मतलब पहले इस तरह से आ रहे थे, अब हम लोग क्या हो गए, इस तरह से लौट रहे। तो पहले किसको लिखना पड़ेगा, जी को लिखना पड़ेगा, फिर किसको लिखना पड़ेगा, टी को, फिर किसको, टी को, लिख दिए, एक ट्रिपलेट कोडोन बन गया। ट्रिपलेट कोडोन के बीच में कोई कॉमा नहीं, कॉमा का यूज नहीं करना है। उसके बाद इसको लिखना है, यहां तक पहुंच गए, अब यहां चलना है, तो ये पहले टी लिखे, फिर क्या लिखे, ए लिखे, फिर क्या लिखे, टी लिखे, तो ये जस का तस आ गया, यानी कि किसी तरह के कैरेक्टर को चेंजिंग नहीं करेगा। लेकिन ये और ये कैरेक्टर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब फिर इस सीक्वेंस को देखे, पहले क्या होगा, सी होगा, फिर क्या होगा, दूसरा सी होगा, फिर क्या होगा, जी होगा। तो ये दो जगह पर हमारे कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, यानी कि एमिनो एसिड चेंज हो रहा है, कैरेक्टर चेंज हो रहा है। तो ये इनवर्सन है, बेस सीक्वेंस इसमें क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा टाइप जो है मेथड, दूसरा मेथड कि सब्स्टिट्यूशन टाइप से जीन म्यूटेशन कर सकता है। सब्स्टिट्यूशन दो तरह का हो सकता है, एक में ट्रांजिशन लिखते हैं, दूसरे को ट्रांसवर्सन लिखते हैं। देखिए ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन में क्या अंतर, अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ क्या कि नाइट्रोजिनस बेस कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के, है ना। नाइट्रोजिनस बेस को फोर टाइप में हम लोग डिवाइड कर दिए। अब देखिए ये जो चारों प्रकार है ये भी दो तरह में बटे होते हैं, एक को प्यूरिन कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, पाइरिमिडीन कहते हैं। आप यहां देखें प्यूरिन जो है यह कौन होता है, ए और जी प्यूरिन में आते हैं। पाइरिमिडीन में कौन आते हैं, सी और डी। ए से हो गया एडिनिन, जी से हो गया गुआनिन, सी से आपका है साइटोसिन और टी से है थायमिन। ये चार तरह के नाइट्रोजिनस बेस आपके पास है प्यूरिन और पाइरिमिडीन के शक्ल में। तो ट्रांजिशन में आप चले, ट्रांजिशन में क्या देखना है कि प्यूरिन को रिप्लेस करेगा दूसरा कोई प्यूरिन। प्यूरिन में हमारा ए है और जी है, तो अगर हमारे सीक्वेंस में प्यूरिन कोई रहेगा तो उसको दूसरा प्यूरिन रिप्लेस करेगा, अगर हमारे सीक्वेंस में पाइरिमिडीन रहेगा तो इसको रिप्लेस करेगा दूसरा कोई पाइरिमिडीन। अब इस सीक्वेंस को देखें, यहां जी टी टी, जी आपका क्या है, प्यूरिन है, जी क्या है, प्यूरिन है। तो कह रहा है कि जी को रिप्लेस कर दीजिए किससे, अगले प्यूरिन से। तो हमारा जी के साथ अगला प्यूरिन कौन है, ए, तो हम जी को एफ से रिप्लेस कर दिए, इस जी के स्थान पर यहाँ क्या लिख दिए, ए लिख दिए, बाकी सब सेम। तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, बदल गया, एमिनो एसिड बदल जाएगा, कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। अब यहां पर देखे सी ए जी, सी क्या है, सी है पाइरिमिडीन, तो सी को बदलना है हमको, तो सी पाइरिमिडीन है तो इसके स्थान पर कोई दूसरा पाइरिमिडीन ही आएगा। तो ए दुइये को तो पाइरिमिडीन है, सी या टी, तो सी के स्थान पर कौन आएगा, टी आएगा, तो यहाँ पर टी ए जी हो गया, फिर सीक्वेंस बदल गया, समझे ट्रांजिशन को, है ना। ट्रांजिशन कैसे होता है हम लोगों ने देखा। अब देखिये ट्रांसवर्सन को, ट्रांसवर्सन में क्या है कि प्यूरिन को पाइरिमिडीन, माने प्यूरिन के जगह पर पाइरिमिडीन और प्यूरिन के जगह पर पाइरिमिडीन और पाइरिमिडीन के जगह पर प्यूरिन आ जाएगा। इस तरह का सीक्वेंस होगा इसमें, जैसे आप यहां देखें ये कि ए है यहां पर, है ना, ए टी टी लिखे है, तो ए टी टी में ए है, ये तो ए क्या है, प्यूरिन है, तो ए का स्थान कौन लेगा, कोई पाइरिमिडीन, या तो सी ले सकता है या टी ले सकता है। तो ए का हम लोगों ने क्या कर दिया, ए को पहले जोड़ दिया किसके साथ, सी के साथ, है ना। तो ए का स्थान ले लिया सी, तो सी टी टी हो गया यहाँ। अब की बार क्या कर रहे हैं, ए जो हमारा प्यूरिन है उसका स्थान दे रहे हैं किसको, दूसरा टी को दे रहे हैं, है ना, ये कौन है, टी है, तो टी को इसका स्थान दे रहे हैं। तो अब की सीक्वेंस क्या हो गया, टी टी हो गया, दो को टी पहले से था, एक आगे भी लग गया, टी हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है, जी है, जी सी सी है, तो ये जी है, जी क्या है, प्यूरिन है, प्यूरिन का स्थान कौन लेगा, तो पाइरिमिडीन लेगा। तो हम लोग पहले सी को ले लिए, तो यहां पर क्या हो गया, सी सी हो गया, ठीक है। उसी तरह से अब ये फिर इसी को जी को दोनों से ले कर रहे हैं, तो जी है हमारा, जी क्या है, प्यूरिन है, अब इसका स्थान कौन लेगा, पाइरिमिडीन लेगा, तो जी के स्थान पर पहले सी लगा, पहले टी लगाते हैं, है ना। तो यहां पर क्या कर दिए, जी को टी डाल दिए, टी सी सी हो गया, ये वाला सिक्वेंस। अब देखिए सी तो ले ही लिए थे यहां, है ना, तो इस तरह से ये हमारा ट्रांसवर्सन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगला तीसरा हमारा जो है फ्रेम शिफ्ट है,
तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, या तो कोई बेस आकर के जुड़ जाएगा, या कोई बेस को हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, या तो एक बेस या एक से ज्यादा बेस को डिलीट कर देंगे या जोड़ देंगे, या फिर डिलीशन भी होगा और इंजर्शन भी होगा, डाल देंगे। जैसे देखिए आप यहां सिक्वेंस को देखें, पहले हमारे पास सिक्वेंस क्या है, एटीटी सीजीसी टीजीए। अब यहां पर इंजर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं ए के जस्ट बाद हमको इंजर्शन करना है, किसका, तो जी का इंजर्शन करना है। तो ए के जस्ट बाद क्या करेंगे, जी का इंजर्शन कर देंगे, तो कोड क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट के शक्ल में रहना है, तो ए जी टी क्या बन गया, ए जी टी बन गया। अब यहां पर टी जो फालतू था उसको हम लोग इसके साथ जोड़ दिए, टी सी जी बना लेगा, देखिए यहां पर टी सी जी बन गया। अब ये वाला सीक्वेंस जो है ये तीन को बनाएगा, तो सी टी जी हो गया। अब ए खाली रह गया यहां पर। इसी तरह से डिलीशन का काम देखते हैं, एक बेस को हम लोग डिलीट कर देते हैं, किसको कर रहे हैं, टी को एक डिलीट कर रहे हैं, तो एक टी को डिलीट करेंगे तो यहां पर सीक्वेंस क्या हो जाएगा, एक टी को हटा दिए मान लेते हैं सपोज, तो एक टी को हटा दिए तो ए टी बचा, और ए को यहां से सी लेगा तो ए टी सी पहला सीक्वेंस हो गया। अब देखिए यहां क्या बचा, जी सी टी, जी सी टी लिख दिए। अब क्या बचा, जी ए बचा, तो जी ए को यहां साइड में लिख दिए, ट्रिपलेट कोडोन नहीं है तो एक ट्रिपलेट कोडोन टूट गया, एक गुण हमारा खत्म हो गया। अब एक साथ इंजर्शन भी कर रहे हैं डिलीशन भी कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए ए के साथ हम लोग, ए के जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजर्शन कर रहे हैं, किसका, जी का, ए के बाद, और इस टी को डिलीट कर रहे हैं, यहां वाला टी को डिलीट कर रहे हैं, इस जगह वाला को। तो देखिए यहां से हम लोग इंजर्शन कर दिए जी का, तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा, ए जी टी, इतना दूर का सीक्वेंस क्या बना, ए जी टी। अब यहां से एक सीक्वेंस बनेगा टी सी जी, बन गया आपका। उसके बाद क्या बचा, तो ये बचा, टी को डिलीट कर दिए थे, ये टी खत्म है, तो सी जी ए, सी जी ए सीक्वेंस आया। इस तरह से इंजर्शन और डिलीशन को हम लोगों ने पढ़ा, है ना। इसके बाद हमारा क्या बच जाएगा, तो इसके बाद कुछ ऐसे भी डिलीशन होते हैं जो नॉनसेंस होते हैं, जिनके डिलीट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो किसी भी अमीनो एसिड के कोड होते होते नहीं है, इसलिए हमारे कुछ इंजर्शन और डिलीशन के वजह से हमारे कोड में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो उस तरह के म्यूटेशन को नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, हमारे चैनल से बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।